राकेश त्यागी जी, बहुत ज्यादा खराब मनोज मुंतशिर की तरफ से जो तर्क दिया गया वो ये था कि हमने रामायण देखी है, वाल्मीकि रामायण जो है और तुलसीदास जी की रामायण जो है उसमें भी कई कथाओं को कहने का तरीका अलग है, हमने दादी नानी से अलग अलग तरीके सुना है, अवधि में अलग तरीके से आती है, तो अगर साधारण बनाते तो यूथ नहीं जुड़ता। उनका जो ये वर्जन है आपको लगता है कि ये जस्टिफाई करने वाला, साथ ही ये कहना कि हम रामायण नहीं बना रहे, हम उससे केवल इंस्पायर्ड हैं, एक फिल्म बना रहे हैं उससे कुछ प्रसंगों को उठाकर? मैं मनोज मुंशी जी का व्यक्तिगत रूप से बहुत आदर करता हूं और सिनेमेटिक लिबर्टीज के लिए मैं हमेशा चिल्लाया, लेकिन जिस प्रकार से कुछ दिनों से कुछ सालों से विवाद बनते जा रहे हैं, चाहे पद्मावती हो चाहे और भी आने वाली फिल्में, जिस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं का आप बड़े आराम से मजाक बना लेते हैं और फिर अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में आप चाहते हैं कि वो उनके तमाम व्यवसायिक जो उनके लुभावने प्रलोभन, मैं समझता हूँ सनातन मूल्यों से ऊपर नहीं है। और मनोज मुंतशिर का जिस प्रकार का चरित्र वो दिखाते हैं, देखिए वो अमेठी से हैं जो कि सरजू से बहुत नजदीक है, अयोध्या वहीं पर है और मैं भी वहीं पे मेरी तालीम हुई है, तो मुझे पता है कि राम जो आदि पुरुष जो है पुरानी कथाओं के हिसाब से, आदि का मतलब प्रथम मूल व्यक्तित्व, जो कि रामायण से आप उसको नहीं हटा सकते, वो विष्णु के अवतार थे। अब वो कह रहे हैं कि रामायण का कहीं इस पे चरित्रण नहीं है, नहीं वो कह रहे हैं अगर हमने मूल से हटाया हो तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं, लेकिन हम दिखा रहे हैं कि असत्य पर सत्य की जीत होती है, राम महान थे रावण उस तरह नहीं था, वो कह रहे हैं हमने बेसिक बातों का ध्यान रखा है, कहने का तरीका हमारा अलग है, ये उनका वर्जन निकल कर आया। नहीं नहीं देखिए रामायण एक हमारा जो है बहुत ही इतना बड़ा ग्रंथ है, उसके प्रति पूरे भारत का सम्मान है, आपको उसमें लिबर्टीज लेने का आपको किसी ने हक नहीं दिया है, ये चाहे वो ये जो पुरानी इंग्लिश पिक्चर्स हैं उनके कार्टून्स की नकल करते हों और इस प्रकार से करके उसका दृष्टि उसको दिखा रहे हो पब्लिक को और बच्चों को इंस्पायर कर रहे हैं, कहाँ से इंस्पिरेशन मिल रहा है जरा बच्चों को मुझे बताइए, जिस प्रकार के डायलॉग का इस्तेमाल मनोज मुंतशिर ने किया है, वो साहित्य से बहुत ही रिच व्यक्ति है, तो ये आड़ में लेना कि हम बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं, बच्चों को आप ये मूल्य दे रहे हैं, मैं मानता हूं वो कि आपने कहीं पर कुछ इस प्रकार की बातें करी हैं जिससे कि बच्चों के उत्साह। नहीं तो मुकेश त्यागी जी आपको सुनकर मुझे ये समझ में आ रहा है कि या तो मनोज मुंतशिर समझ नहीं पा रहे, क्योंकि आज भी उन्होंने कहा कि हमने सोच समझ कर रखा था, ये ऐसा नहीं हमसे गलती से हो गया या इत्तफाकन हो गया, रखा है शुभांकर जी बहुत सोच समझ के राजनीति की गई है, देखिए फ्री में पब्लिसिटी मिल रही है, आज मैं और आप डिस्कशन कर रहे हैं, आप जानते हैं इस पब्लिसिटी की कीमत क्या है, अगर क्वांटिफाई करने लगे करोड़ों रुपए की पब्लिसिटी आज फ्री में मिल रही है, अगर आज पीएनडी करने लगे तो ये कॉन्ट्रोवर्सी जानबूझ के की जा रही है, क्यों? व्यावसायिक सिद्धांत जो है सनातन मूल्यों से ऊपर निकल चुके हैं, और ये जो एक सबसे बड़ा बुनियादी फर्क है, मैं समझता हूँ इनको एक सबक दिखाना चाहिए कि इनका कोई हक नहीं बनता रामायण के ऊपर लेकर के किसी भी प्रकार की आजादी लेने का। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण आपने उठा दिया, क्या व्यावसायिक लाभ जो है वो चरित्र से लोगों की भावनाओं से ऊपर हो गया? तरुण खन्ना हमारे साथ है, मैं आपके पास आऊंगा सर इसके बाद, तरुण जी भी हमारे साथ है, उनको तरुण जी भी नहीं हमारे साथ है सर, मैं आपसे शुरुआत करता हूं, ये जो बात यहां पर कही गई अभी कि व्यवसायिक मूल्य जो हैं अब वो चरित्र से इमोशन से ऊपर बढ़ गए हैं, लेकिन फिर वही सवाल है कि क्या ये ऐसी फिल्मों को दर्शक फिर नकारेंगे या फिर स्वीकार करेंगे, या कि आपने पद्मावत का जिक्र किया था उसे कंट्रोवर्सी का फायदा हुआ था, लोग देखने गए करोड़ों रुपए कमाए? नहीं वो तो वैशाली साहब ने खुद ही पहले कंट्रोवर्सी शुरू करवाई थी, सब जानते हैं। एक बात याद समझिए ये कि देखिए पहले एक जमाने में ये बॉम्बे टाकीज होता था, उसके बाद बॉम्बे सिनेमा हुआ, जो रोल बॉम्बे टाकीज ने निभाया था इस देश के अंदर, मतलब मुझे वो गाने तक याद हैं कि दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, और कैसे राइटर को उस समय अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था वारंट इशू करके, और जिस तरीके की फिल्में बनती थी, चाहे वो लव स्टोरीज बनती थी, चाहे वो ट्रेजिडी बनती थी, चाहे कुछ बनती थी, फिर वो बॉम्बे सिनेमा हुआ, वहां तक भी कुछ गनीमत थी, लेकिन जब से ये बॉलीवुड हुआ, समझ गए, हॉलीवुड जोड़ दिया गया इसके साथ में, बॉलीवुड वो हॉलीवुड जो पिछले कितने सालों से दुनिया में सिर्फ आतंकवाद और वायलेंस पे फिल्में बना रहा था, और आज वो रो रहे हैं उनके ऊपर अगर आतंकवादी अटैक होता है तो जब से बॉलीवुड बना, बॉलीवुड बनते ही इसके अंदर जो, मैं सब लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, क्षमा करें अगर कोई व्यक्तिगत ना ले इसको, क्योंकि बहुत सारे फिल्म की हस्तियां बैठी है और शोएब जी ने बड़ी अच्छी बात की है, बहुत से लोग बॉलीवुड में इसमें ये हो गए कि ना उनके लिए कोई नैतिकता है ना उनके लिए कोई मूल्य है, जैसे अमेरिका में है ना डॉलर 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 डॉलर, तो ये व्यवसायिक भी नहीं है, ये पैसा कमाने की जो लस्ट है, जो हवस है पैसा कमाने की, उसके अंदर पैसा कमाओ ठीक है, दे दो थोड़ी कंट्रोवर्सी उठेगी चलेगा, ठीक है, मेरा क्या हो? आपका माइक शायद गिर गया सर, आप माइक लगा लीजिए। शहजाद जी, महमूद साहब ने कई दशक पहले गाना लिख दिया था, ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया,
इस पैनल से यही आवाज निकल रही है कि शायद वही वजह है। और एक सवाल और उठ रहा है सर, शोएब जी, शहजाद जी आपसे पूछ लेते हैं, क्योंकि आपने फिल्म को इनिशियली थोड़ा डिफेंड भी किया क्रिएटिविटी के नाम पर। एक आरोप जो ये बार बार लगता है कि जितनी क्रिएटिविटी हिंदू धर्म के नाम पर उठा ली जाती है, इसका एक अंश भी दूसरे धर्मों पर वो नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि वहां पर खतरा ज्यादा होता है, यहां लिबर्टी इसलिए उठाई जाती है, खतरा नहीं होता इसलिए इस तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं। आप इससे इत्तफाक रखते हैं? और दूसरा जो सवाल था वो पैसे वाला, कि आजकल बॉलीवुड वालों पर आरोप लगता है कि पैसे के नाम पर वो कुछ भी बेच सकते हैं, यह आरोप लगता है और इस पैनल में भी कई लोगों ने लगाया। देखिए, पैसा बहुत जरूरी चीज है, लेकिन उसको मेहनत करके ही कमाया जाता है। चरित्र से बड़ा, दूसरी चीज चरित्र से बड़ा नहीं होता। मैं एक बात बोल रहा हूँ आपको, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। आपके पैनल पे एक साहब बैठे हैं जिसका नाम है शोएब चौधरी जी, वो एक वेब सीरीज बना रहे सर सैयद पर, मैं देखना चाहता हूँ, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो सब जो उस वक्त हुआ था, गंगा जमुना तहजीब और जो भी है, वो सर सैयद पे जो वेब सीरीज बना रहे हैं उसमें काफी चीजें, काफी पोल खुलने वाली है। मैं देखना चाहता हूँ कितनी पोल खुलते हैं। यहाँ पर पैनल पे बैठ के वो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, अपनी वेब सीरीज में उनको हर चीज दिखानी पड़ेगी जो उस वक्त हुआ था, कैसे सर सैयद का चरित्र क्या था, कैसे वो क्या थे, क्या आप वो सब दिखाएंगे? मिस्टर शोएब चौधरी, आप मुझे बताइए, आपके वेब सीरीज में हमेशा हम मुसलमानों को टारगेट किया जाता है कि हम अपना कुछ नहीं दिखाते, आप मुझे इसका जवाब दीजिए, आप दिखाएंगे कि नहीं अपनी वेब सीरीज में? शोएब जी, नहीं, सर सैयद के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? सर सैयद ने जो सोशल अवेकनिंग जो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और इस्टेब्लिश किए हैं, सर सैयद ने जो हिंदू मुस्लिम इस देश की दो आंखें हैं, जो ये डायलॉग उनका सबसे ज़्यादा फेमस है, और जो उनकी ज़िंदगी में किस किस मुश्किलात का सामना करते हुए उन्होंने अपनी एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया, वो सारी चीज़ें उस वेब सीरीज में, उससे ज़्यादा आप क्या देखना चाहते हैं? कोई कॉन्ट्रोवर्सी उसमें नहीं है, आप क्यों क्रिएट करना चाहते हैं? आप वो दिखाएंगे कि वो कांग्रेस के खिलाफ थे उस वक्त, जो रिजीम थे उसके खिलाफ थे, वो भी आप दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे?